ये जो आप लुक देख रहे हैं ना, लुक ये नेपाल, नेपाल में जो भी मंदिर, जो ये हाजीपुर का इतिहास मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐप पे सर्च मार रहा था प्लेस नियर बाय मी हाजीपुर का, जी तो मुझे यहाँ पर दिखा कि ये हाजीपुर में नेपाली छावनी मंदिर नाम से क्या आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी से बना हुआ है, सब जितना आप देख रहे हैं लकड़ी का काम है। मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए। तो ये हम नेपाली छावनी मंदिर में आ गए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है, कोई तो है नहीं। एक भाई यहाँ पर दिख रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलशन है। गुलशन भाई आप कहाँ से हैं? मैं पटना से आया हूँ। तो यहाँ के बारे में क्या जानते हैं आप? जी मैं तो कुछ खास ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि ये बहुत पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर है। और मैं मैप पे सर्च मार रहा था प्लेस नियर बाय मी हाजीपुर का, जी तो मुझे यहाँ पर दिखा कि ये हाजीपुर में नेपाली छावनी मंदिर नाम से क्या आ रहा है, तो उसका जानने का। अच्छा, ये यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आए हैं? जी फर्स्ट टाइम। ये प्लेस कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ का अगर आप देखिएगा, लकड़ी से जो चीज चित्र को बनाया गया है, नक्शा को उतारा गया है लकड़ी से, उस जमाने के कलाकार लोग जो उतारे हैं, ये मतलब देखने से मतलब काफी वो लग रहा है ना। बहुत पुराना मंदिर है। और मेरे एक्चुअली ये मंदिर लगभग 550 साल पुराना है, और शायद इसको नेपाल के राजा लोग बनाए थे, इसलिए इसका नेपाली मंदिर नाम है। और इसको रात को बंद कर दिया जाता है, पता है आपको? ये तो नहीं पता। ये शिव जी का मंदिर है। शिव जी का मंदिर, जी। तो यहाँ पर आकर अलग सुकून मिलता है ना। और वहाँ पर देखेंगे कि नहीं, वो वहाँ पर जो गाय रखा हुआ है उसमें लोग नंदी उसको कहते हैं, नंदी गाय शिव जी का एक्चुअली सवारी होता है। शिव जी का सवारी होता है। तो लोगों का मान्यता रहता है कि उनके कान में, जी कान में कुछ बोलने से मनोकामना से बोलिएगा तो वो सुन लेंगे और आपकी मनोकामना। चलिए तो फिर मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ। चलिए, थैंक यू भाई, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये मैं आपको नेपाली मंदिर घुमा रहा हूँ जो हाजीपुर में स्थित है, हाजीपुर का। और जब भी आपके पास टाइम मिले तो आप आ सकते हो। और ये जो अंदर है वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, और मैं आपको ले चलता हूँ वो, ये यहाँ पर आपको मनोकामना पूरा होता है। ये हैं नंदी जी, ये नंदी जी हैं। और इनके कान में अगर आपको धीरे से भूल करके मांगते हो तो लोगों का मानना है कि उनके विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं भी मांग लूँ क्या? मेरे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो जाए। चलिए मैं बैक कैमरा से आपको यहाँ का लुक दिखाता हूँ, यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत 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 अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा, क्योंकि यह हमारा इतिहास है, हाजीपुर का इतिहास है, वैशाली का इतिहास है। और अगर आप हाजीपुर से हो तो इस जगह पे ज़रूर आओ। यहाँ पर भी बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, हिस्टोरिकल प्लेस है। नेपाली मंदिर हो गया, पत्थर की मस्जिद जो हो गया वो अकबर के ज़माने की है, या किस ज़माने की? अकबर के ज़माने की है ना, अकबर की। पत्थर की मस्जिद आ रहा था नियर बाई मी में, पत्थर की मस्जिद, तो वो भी मंदिर पुराना है। और ये आपको कुन्हारा घाट में स्थित है, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये जगह कुन्हारा घाट में। मैं बैक कैमरा से आपको इसकी खूबसूरती दिखाती हूँ, उसकी सुंदरता दिखाता हूँ। चलिए, जो भी यहाँ के कर्ता धरता है थोड़ा इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये दीवार जो आप देख रहे हैं ये सब टूट रहा है, तो हमारे इतिहास टूट रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लकड़ी से बना हुआ है, ये लकड़ी का है ना, तो ये लकड़ी का बना हुआ है, और ये भी लगभग 550 साल पुराना बना हुआ है। और पुराने जमाने के देख रहे हैं, लोगों ने जो ये बनाया है वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन यहाँ का जो आप हाल देख रहे हैं, कैसे ये ईंटा टूट चुका है, ईंटा गिर रहा है, ये दरवाज़ा को आप देखिएगा तो इस तरह ढह रहा है, तो इस पर थोड़ा जो यहाँ के कर्ता और धरता हैं वो चीज़, इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को आप थोड़ा सा सुधारें। जैसे ये सब चीज़ आप देख रहे हैं, तो इस चीज़ को आप सुधारें और इस जगह पे आप आ सकते हैं। ये हाजीपुर का इतिहास है, वैशाली का इतिहास है,
और यहाँ पर आइएगा तो आपको अलग सुकून मिलेगा। और ये स्थित कुनारा घाट में है, और ये देखेंगे आप ऊपर तो ऊपर की तरफ भी बना छत पर जाने का भी रास्ता है। चलिए तो हम लोग छत पर जा रहे हैं, और जो नक्श को उतारा है, जो लकड़ी से काम किया गया है, ये सब लकड़ी का काम है, ये सब जितना आप देख रहे हैं लकड़ी का काम है। तो इसको जो भी, हाँ, तो आप आ करके ऊपर भी देख सकते हैं। और ये जो भाई मंदिर जो है ना, ये हाजीपुर में जो मंदिर बना है, ये बिल्कुल नेपाल टाइप का जो मंदिर होता है ना, मंदिर उस टाइप का है। सीढ़ी पर जाना अलाउड है क्या? सीढ़ी को घेर दिया गया है, तो कैसे जाएंगे ऐसे चढ़ के? चलिए तो ऐसे चढ़ के चलते हैं। हाजीपुर वालों, आपका प्यार चाहिए। और बेतिया वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो तहे दिल से शुक्रिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली इसमें ज़्यादातर मैं जो है ना फैमिली, वो बेतिया से ही है, चंपारण से, पता है। तो ये ऊपर हम लोग आ गए हैं, और ये जो आप लुक देख रहे हैं ना, लुक, ये नेपाल, नेपाल में जो भी मंदिर जो होते हैं, बगल में मंदिर, ये बगल में नदी आप देख रहे होंगे, इस तरफ मरघट है, शमशान घाट है ना। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ की सुंदरता, हाजीपुर की सुंदरता जो आप देख रहे हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे हो नए, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका वीडियो नहीं मिल पाता बिकॉज आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हैं, जिस वजह से आप तक वीडियो अपडेट नहीं हो पाता है। तो बेल आइकन दबा दें, और सब्सक्राइब करें तो दिल से करें, दिल में थोड़ी जगह चाहिए तो ही सब्सक्राइब करें। ऐसे नहीं कि सब्सक्राइब किए और फिर भूल गए, ऐसा नहीं, दिल से करें। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हाजीपुर का इतिहास मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं पत्थर की मस्जिद भी आपको दिखाऊंगा, और फिर हाजीपुर सिटी ब्लॉग नहीं देखे हो तो वो भी आप जाकर देख सकते हो। हरियरनाथ किधर है? और एक रामचौरा भी मंदिर है ना यहाँ पर, राम जी के वहाँ पर चरण पैर के निशान हैं। श्री राम जी यहाँ पर हाजीपुर में आए थे, और उनके कदमों के निशान है, बहुत बड़ा। मैं वो चीज़ आपको दिखाऊंगा, अभी तो मैं आपको ये नेपाली मंदिर दिखा, बहुत बड़ा बना है, मैं वो चीज़ भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हो। तो मैं ये फर्स्ट टाइम हाजीपुर में आकर के व्लॉग कर रहा हूँ, और बहुत सारे मैंने हाजीपुर पे अभी व्लॉग बना चुके हैं। हाजीपुर सिटी व्लॉग आप देखो नहीं देखो, उसमें मैंने पूरा सिटी घुमाया है, और अभी मैं आप लोगों को घुमा रहा हूँ नेपाली मंदिर। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत है, आप आ करके देख सकते हैं, कुनारा घाट में स्थित है। तो अभी क्या ये जो व्लॉग है मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपका भाई तारिक सैफुल्ला। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन दिल से करो, दिल में जगह चाहिए, ऐसे नहीं बटन से दबा दिए। अब चलो हाजीपुर वालों, ऐसे आप लोग भी एकदम प्यार दो मुझे, जैसे मेरे शहर के लोग, बेतिया के लोगों ने, जैसे चंपारण के लोगों ने प्यार दिया। तो ये था आपका बिहार का लाल, बिहार का बेटा तारिक सैफुल्ला, आपका भाई, लव यू मेरा भाई, ऐसे ही प्यार करते रहो ना भाई। चले तो चलिए, अब हमारा नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आएगा, कौन सा मंदिर है? रामचौरा मंदिर पे आएगा, वहाँ पर श्री राम जी आए, उनके कदमों के निशान हैं, पैरों के निशान हैं, दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए तो फिर, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फैमिली, बाय बाय।